સેલવાસમાં ઉત્તરાખંડમાં નંદાદેવી સુધી ટ્રેકિંગ કરનાર 6 સદસ્ય દળોનું સેલવાસ ખાતે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ સ્વાગત દરમિયાન ટ્રેકરોએ ટ્રેકિંગનો અનુભવ વર્ણવ્યો હતો. આ તકે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનના અધ્યક્ષે ટ્રેકિંગ કેમ્પમાં જનાર યુવકોને સહયોગ રાશિ આપવાની વાત કરી હતી. हमारे जाने का उद्देश्य था, हमें लोगों ने बताया था कि इस दुनिया से हट के पहाड़ के लिए घूमना है. तो हम पहाड़ तो क्या समझते हैं, नैनीताल, वो तालाब वो नहीं है. उससे ऊपर पहाड़ का कोई अंत नहीं. आप यहाँ से चलेंगे तो आप काठमांडू निकलेंगे. वो पहाड़ियों का सिलाए हम 10,000 फुट चढ़ते थे तो 5,000 फुट करते थे. ऐसा कम से कम 12 पहाड़ का सिला हमने क्रॉस किया है. और वो दुनिया ख़त्म ही नहीं होता है. जैसे समुद्र की दुनिया है वैसे ये पहाड़ की दुनिया है. समतल दुनिया की दुनिया से जब नीचे उतरे हैं तो वहाँ मुंशियारी कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट के जो कमिश्नर है उन्होंने स्वागत किया, वहाँ की मीडिया ने स्वागत किया. जब हम हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में आए तो हल्द्वानी से यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई. 21 तारीख को हम मुंशियारी पहुँचे. 22 को सुबह 5 बजे से कड़क ठंड में हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की और 28 तारीख को रात को 11:30 बजे हम वहाँ से लौट के आए. इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ साथ पूरे दादरा नगर हवेली के लिए एक गर्व का विषय है. जो दादरा नगर हवेली में आज पहली बार हुआ है इससे हमारे आने वाले युवाओं को भी एक प्रेरणा मिलेगी और हम इस चीज़ को आगे बढ़ावा देने के लिए हमारी एसोसिएशन और इंडस्ट्री हमेशा अपने दोस्तों के अपने लोगों के साथ रहेंगी. और जैसे अभी इन लोगों ने शुरुआत की है हम फ्यूचर में इसको और बनाएंगे और दादरा नगर हवेली से जो युवा लोग जाना चाहेंगे हम उनको प्रमोट करेंगे और उनको इंडस्ट्री की तरफ से स्पॉन्सर भी करेंगे.